हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। एक नया चैप्टर है आपका एल्कोहल्स। एल्कोहल्स तो मैं आपको आज बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज रिडक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए, जनरली अगर हम बात करें, ये कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन में ये हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। अगर एक अल्काइल एक एच लगाएंगे या दोनों ही एच लगाएंगे हाइड्रोजन्स तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इन जनरल मैंने रिडक्शन के लिए एच टू लिख दिया यहाँ। तो क्या होता है, देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर लो यहाँ से तो ये रह गया। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। एक सिंपल वे में समझने का तरीका है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, इसका डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया, दोनों जगह पर एक एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ये बन गया एल्कोहल। आप देखो, जो हाइड्रोजन साथ में आपने लिया निकल या पैलेडियम प्लेटिनम, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो होता क्या है, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। कैसा एल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। और यदि आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन हो तो कीटोन की रिडक्शन से आपको क्या मिलता है? सेकेंडरी एल्कोहल। समझ रहे हो बात को? एल्डिहाइड की रिडक्शन से मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। सेकेंड जो मेथड हो सकता है रिडक्शन का, एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन का ही एक और मेथड आपके पास है, दैट इज योर रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपके पास कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड है, जैसे आपके पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मॉइस्चर सेंसिटिव रिएजेंट होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स मॉइस्चर। तो इसको हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं, जैसे ड्राई ईथर हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो। तो क्या होता है, देखो इसमें भी जैसे आपके पास सपोज करो, मैं ये रिएक्शन पर्टिकुलरली एल्डिहाइड के लिए ही लिख रहा हूँ, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की आपने रिडक्शन करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CHF, और सेकंड स्टेप में H+ वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस। तो अब देखो, मैं यहाँ एल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग मटीरियल, तो एल्डिहाइड से किस तरह का एल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा या सेकेंडरी मिलेगा? ऑब्वियसली प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा। तो आपको ये एल्कोहल मिलेगा, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे ही अगर हम कीटोन लेकर चलेंगे इसके लिए, जैसे सपोज करो ये क्या है, साइक्लोहेक्सिनोन, साइक्लोहेक्सिनोन, इसकी भी आपने रिडक्शन करी फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड PHF, सेकंड स्टेप में H+ वाटर। तो क्या होगा, सेम तरीका है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, एक H एक H, इधर भी डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये OH साइक्लोहेक्सेनोन,
ये बन गया। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कि ये रिएक्शन जो है ये होती कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिड्यूस करता है उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो आपके पास जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इट विल गिव यू लिथियम आयन प्लस AlH4 नेगेटिव, ये दे देगा आपको। ये नेगेटिव आप एल्यूमिनियम पे ही जो कर दीजिए। अब ये जो आयन है ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, क्या करता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कैसे होगा, सपोज दिस इज योर कीटोन, और यहां से आपने इसकी रिएक्शन करनी है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एल्यूमिनियम का होगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, हाइड्रोजन के साथ आएंगे, समझ गए बात। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां से ये बॉन्ड आएगा आपके कार्बन के ऊपर और एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनेगा फिर ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या मिला आपको, अब आपको लग रहा होगा कि यहां एल्यूमिनियम पे भी नेगेटिव चार्ज है यहां भी पार्शियल नेगेटिव है, तो ये कैसे हुआ, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना यहां पे तो एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा एक, तो इसलिए एल्यूमिनियम का अटैक यहां ऑक्सीजन पे होगा, एच आ गया इस कार्बन पे, तो आपको ये चीज मिल गई। अब इसकी रिएक्शन आप स्टेप बाय स्टेप फिर से करते चलो, किसके साथ, कीटोन, जैसे ये स्टार्टिंग मटेरियल था, इसको हमने फर्दर 1 मोल कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया। तो अब यहां से क्या होता है, देखो ध्यान से, जो एल्यूमिनियम है ना इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एक करके कम होते जाएंगे और ये पोर्शन एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको मिलेगा ये ट्वाइस और यहां मिल गया AlH2, एक एच मैंने कम कर दिया और ये एक बढ़ा दिया, तो यहां पर H2 रह गया, यहां पे 2 मोल हो गए। फिर इसकी रिएक्शन अब मैं सीधा लिख रहा हूं 2 मोल कीटोन के साथ, तो अल्टीमेटली यहां पे भी एल्यूमिनियम पे नेगेटिव ही दिखाई दिया, ये 4 हो गया और ये 3, 4 आपके पास ये हो गए। देखो यहाँ एल्यूमिनियम पे यहाँ जो था 4 हाइड्रोजन थे ना, वो हाइड्राइड ट्रांसफर होते गए, अल्टीमेटली ये 4 हो गया और एल्यूमिनियम वही का वही रहा जैसे शुरू में था। अब जो फर्स्ट स्टेप आया रिएक्शन का वो कंप्लीट हुआ, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन THF ए प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इसकी जो रिएक्शन थी वो कर चुके हो। आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस, तो 4 मोल आपको मिलेंगे। अब ये किस तरह का एल्कोहल है, इट इज योर सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि आपने कीटोन से शुरुआत की थी तो आपको क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल मिलना चाहिए था, ठीक है, ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड है जो इसको प्रिपेयर करने का, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं
उनकी रिडक्शन से भी आपको एल्कोहल मिलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? एसिड क्लोराइड्स, अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, दीज फोर कंपाउंड्स आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनकी हम पहले रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव तो ये क्या होता है RCOCl एसिड क्लोराइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर एस्टर्स, एस्टर उसके बाद अमाइड एंड इन द लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ। ये इनका रिडक्शन का ऑर्डर है। इनकी रिडक्शन करने से आपको एल्कोहल मिलेंगे। मैंने यहां पर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है कि ये अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल हो, रिएक्टेंट हो, तो ये सबसे इजीली रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू गिव एल्कोहल, फिर एस्टर, फिर अमाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड खुद। तो इनकी रिडक्शन भी जो है हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास सपोज ये कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल क्लोराइड। इसकी रिडक्शन करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF कैन हाइड्रोलाइज करना है तो आपको मिलेगा CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से। इन द वेरी सिमिलर वे आप एस्टर को रिड्यूस करेंगे, अमाइड को करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे। तो इनसे आपको प्राइमरी एल्कोहल ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। अब मैकेनिज्म देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। RCOOH ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस। तो क्या मिलता है आपको? पहले देखो RCOOLi प्लस हाइड्रोजन प्लस AlH3 ये मिल गया। आफ्टर दैट इसके ऊपर AlH3 का टैग, वही हाइड्राइड ट्रांसफर HAlH2 अगेन। ये हाइड्रोजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इसका अटैक होगा कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट के गुजर गया, एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। After that, ये जो नेगेटिव चार्ज है
इट कम्स हेयर एंड ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, आपको मिला आर सी, ये आर ये सी, देखो सी के साथ ये एच और ये डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ से लिथियम और यहाँ से ये सारी चीज, लिथियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम और इसके साथ ये दो हाइड्रोजन, आपको एल्डिहाइड मिल गया। दिस इज योर पार्शियल रिडक्शन। अब जो एल्डिहाइड है इसकी रिडक्शन हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, सॉरी ये फर्दर रिएक्ट होगा फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड PHF, सेकेंड स्टेप में H प्लस वाटर। अभी इससे पहले मैंने जो मैकेनिज्म बताया आपको, तो फोर मोल RCH2OH आपको मिलेंगे जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।